क्वेश्चन नंबर सेवन देखो, सेवन एमसीक्यू, ये बड़ा इजी है, इतना इजी है कि आपको पेन पकड़ने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन दे, ध्यान से पढ़ो, द डिस्टेंस कवर्ड बाई अ कार, एक कार ने डिस्टेंस कवर की है, किस स्पीड से की है, 30 किलोमीटर पर आवर, स्पीड जो है कार की कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में 30 किलोमीटर जा रहा है, जरा कॉमन सेंस लगाओ, एक घंटे में 30 किलोमीटर, तो इसका मतलब एक घंटे में, और आधे घंटे में कितना जाएगा, आधे घंटे में जाएगा 15 किलोमीटर। अब आधे घंटे में 15 किलोमीटर, आधे घंटे का मतलब हो गया 30 मिनट, 30 मिनट में जा रहा है 15 किलोमीटर, तो 30 का आधा कर दो, 15 मिनट में कितना जाएगा, 15 मिनट में कितना जाएगा, अब 15 का भी आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 7.5। तो आपसे यही पूछा गया था कि बताओ अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई जा रहा है तो 15 मिनट में कितना जाएगा। तो आप एक काम करो ना, एक घंटे में 30 किलोमीटर जा रहा है तो एक घंटे के 40 से करोगे तो 15 मिनट आ जाएगा। तो आप एक काम करो, जब आप टाइम के 40 से कर रहे हो तो आप डिस्टेंस के भी 40 से कर दो। कैसे, आपको पता है डिस्टेंस जो है वो एक घंटे में 30 किलोमीटर चली है, तो 30 के जब 40 से करोगे, मतलब 30 को 4 से डिवाइड करोगे, 30 डिवाइडेड बाई 4 करोगे, तो वैल्यू आ जाएगी 7.5 किलोमीटर। तो ये वाली बात इस तरह से याद रखना, ठीक है। तो कंपटीशन में बहुत जल्दी सॉल्व करना आपको, ये बहुत जल्दी दिमाग लगा करके, हालांकि क्वेश्चन टफ है ही नहीं, लेकिन जब आपको दिखाने का नंबर आए कि कैसे हुआ, तो आप ऐसे कहेंगे कि एक घंटे के अंदर जो है ऑब्जेक्ट वो 30 किलोमीटर जा रहा है, एक घंटे के अंदर होते हैं 60 मिनट, तो 60 मिनट में जा रहा है वो 30 किलोमीटर, तो एक मिनट में कितना जाएगा, अब आपको पता है 60 से डिवाइड हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 60, एक मिनट में गया इतने किलोमीटर, तो आपसे पूछा आपने 15 मिनट में कितना जाएगा, फिर तो 15 मिनट में जाने की नहीं, आपको 15 से मल्टीप्लाई कर देनी है 30/60 को, तो ये हो जाएगा 15 15 चौके 60, और इससे काटोगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 2 15, अब 2 को 15 को 15 को 2 से काटोगे तो आ जाएगा 7.5, तो 15 मिनट में जो जाएगा वो जाएगा 7.5 किलोमीटर। देख लो ऑप्शन कौन सा है, टिक कर दो उसे, 7.5 किलोमीटर, तो ये रहा। देखो इतने चला के ऑप्शन भी कुछ मिलते जुलते दे रखे हैं, ऑप्शन भी मिलते जुलते दे रखे हैं, तो आपसे अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो मसला ख़राब हो जाएगा। अब मैं आपको एक थोड़ी सी अप्रोच और देता हूँ, आपको थोड़ी सी अप्रोच और देता हूँ, वो अप्रोच ये है कि आप डायरेक्ट कुछ ऑप्शन को यहीं गलत साबित कर सकते थे। कैसे, आपको पता है कि एक घंटे में 30 किलोमीटर जाएगा, एक घंटा लगा पूरा और कुल 30 किलोमीटर गया, तो 15 मिनट तो बहुत कम टाइम हो गया, तो 15 मिनट में कम जाएगा, तो मतलब 30 किलोमीटर से आंसर कम तो आना चाहिए। अब देखो यहाँ कितना दे रखा 30 किलोमीटर के मुकाबले, यहाँ पर दे रखा 75 किलोमीटर, तो ये तो हो नहीं सकता, एक घंटे में 30 किलोमीटर जा रहा है तो 15 मिनट में क्या 30 किलोमीटर से फालतू चला जाएगा, नहीं, 750 किलोमीटर, ये भी नहीं हो सकता, दो ऑप्शन तो आपके ऑन द स्पॉट गलत हो गए। 30 किलोमीटर चला है एक घंटे में, तो ऐसा तो नहीं है कि 15 मिनट में 1 किलोमीटर भी ना चले, देखो ये 1 किलोमीटर से कम है, 0.75, तो ओवरऑल कॉमन सेंस आपने पता लगा लिया कि आंसर जो हो जाएगा वो 7.5 किलोमीटर भी हो जाएगा। तो बहुत सारी स्किल्स हैं आपके लिए इस पर्टिकुलर, इस तरह के क्वेश्चंस को, मतलब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, वो सिर्फ इसीलिए खड़ा हुआ हूँ ताकि आपको आपके लेवल से कॉम्पिटेटिव स्किल्स का पता चलना शुरू हो जाए। यही स्टार्टअप होता है, यही टाइम होता है जब बच्चा सीखता है कि कॉम्पिटिशन में अगर आप बैठे हो, एंट्रेंस में बैठे हो, तो किस तरह से आपको एमसीक्यू वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ये मैं आपको बताता रहूँगा, जैसे कि यहाँ पर बता रहा। थैंक यू सो मच, चलिए अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं।